हेलो दे यार, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके पास ऐसा कोई ना कोई पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड होगा जो कि चलता नहीं होगा और आप काफ़ी परेशान होंगे कि मतलब आपने इतने पैसे लगा कर दिए और वो काम नहीं करता, तो उसे आप फेंकने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन उसे आप फेंकने की कोई जरूरत नहीं, उसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसे यूजबल बनाने के लिए कमांड प्रमोट से फॉर्मेट करना होता है। उसके लिए आप विंडोज़ प्लस R बटन दबाकर और वहाँ पर CMD लिखकर एंटर करते हैं। उसके बाद कमांड प्रमोट ओपन हो जाएगा, वहाँ पर लिखे डिस्क पार्ट देन एंटर। उसको फिर यहाँ पर परमिशन का होगा, उसको अलाउ यस कर दें। उसके बाद नया विंडोज़ ओपन हो जाएगा कमांड का, फिर यहाँ पर लिखना है लिस्ट डिस्क, फिर एंटर। एंटर दबाते हैं, दो डिस्क दिख जाएंगे, डिस्क 0 और डिस्क 1। डिस्क 0 मेरे PC का डिफ़ॉल्ट मेमोरी है, स्टोरेज डिस्क है, और डिस्क 1 जो है एक्सटर्नल जो मेरा पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे मैं डिस्क 1 सेलेक्ट करूँगा। इसके लिए लिखना है सेलेक्ट डिस्क 1, उसके बाद एंटर। डिस्क 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको लिखना है क्लीन देन एंटर। उसके बाद लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद आपको लिखना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, उसके बाद फिर से एंटर। उसके बाद आपको लिखना है एक्टिव, उसके बाद फिर से एंटर। यहाँ पर फॉर्मेट के कमांड में स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, तो बीच में ये आ गए थे इंस्ट्रक्शन, इसको इग्नोर करना है। आप फिर आपको लिखना है फॉर्मेट FS इज इक्वल टू FAT32। आपको जिसमें फॉर्मेट करना है उसमें कर सकते हैं, मैं FAT32, आप NFS भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद क्विक देन एंटर, उसके बाद फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है असाइन और फिर एंटर। एंटर करते ही आपका USB ड्राइव ओपन हो जाएगा, आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई ख़राब USB का या फिर पेन ड्राइव नहीं था, जिसकी वजह से मैं उसका फॉर्मेट करके दबाता था, लेकिन मेरे पास ये यूज़बल मेरा पेन ड्राइव है और ये काम करता है। आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आपका जो ख़राब हुआ या फिर करप्टेड पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं और फिर से उसे यूज़बल बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स, बाय बाय।